सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। किसानों के लिए, हम लोग के लिए जो हर चीज़ महंगाई है, हर चीज़ की महंगाई है, कोई चीज़ की हम लोग को सुविधा नहीं है। हाँ, जो हम लोग की गैस मिलती थी 500-600 में, आज 1200-1000 में गैस मिल रही है, तो क्या सुविधा है 5 साल और चाहे 10 साल में। और नौजवानों को कुछ सरकारी नौकरियां लग रही हैं गांव, सब बेरोजगार बनकर घूम रहे हैं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। इस सरकार से हम लोग ये पसंद कर रहे हैं कि गुंडई खत्म हो गई है ना, ऐसी बात, चोर चंडाल ऐसे नहीं, तो लड़कियां पढ़ने जा रही थी तो दुपट्टा खींच लिया जाता था। कानून व्यवस्था के बारे में कह रहे हैं कि ये खराब था, ये बताइए कानून व्यवस्था में 100 नंबर किसने लागू किया? बताओ कैसा लग रहा है ये 10 साल कैसे रहे आप स्टूडेंट्स के लिए? हमारे लिए बहुत बेकार बीता है। अच्छा, बहुत बेकार। क्यों? मैं बहुत मेहनत करके पुलिस का पेपर दिया था, और हमारे मतलब कि जब हमारा एज हुआ था पुलिस के लायक, तो इतना मेहनत करके मैं 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था, और वो पेपर जब मिला है तो मेरा पूरा सही था, और वो भर्ती रद्द कर दी गई। ड्राइवरों को इधर से उधर घुमा के फिर इधर कर दिया, कुछ दिन किसानों को परेशान किया। अब नौजवान 4 साल की हो गई भर्ती, हम पहले तैयारी करते थे आर्मी की, अब छोड़ दिए, 4 साल की हो गई छोड़ दिए। वो क्या करेंगे, उनका कोई पता नहीं है, कब किसको बदल देंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं है, तो हम ऐसी सरकार कहाँ चाहें। 2014 में हम लोग भी मतलब भाजपा ही थे, भाजपा को ही वोट देते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनका रीति रिवाज जो देखा गया है ना, तो मूड बिल्कुल चेंज हो गया है। कानून व्यवस्था सही हुई है तो मणिपुर में जो हुआ है वो क्या था? एक भी दिन वहाँ गए मणिपुर में जो हुआ तो वो क्या था? वहाँ पे कानून व्यवस्था नहीं चलानी चाहिए उनको? आपके यहाँ आवारा पशु की दिक्कत है? हाँ रे, बहुत दिक्कत है, बट चढ़ जाता हूँ सब राति का, चढ़ जाता हूँ के और रात भर के सोती सीवार में। योगी मोदी से दुनिया परेशान है, हाँ हम ही थोड़ी परेशान है, सब परेशान है। 14 में कहाँ वोट किए थे? 14 में तो हम भाजपा को किए थे सर। अच्छा, सच बोल रहे हो या कैमरा? भाजपा ही है, पहले भाजपा ही थे। अच्छा, सीसीए के चुनावी चरण की अब ये आखिरी वीडियो है। बहुत लंबा सफर रहा है, बहुत अलग अलग लोगों से बात हुई है, और कहीं ना कहीं इस चुनावी सफ़र का पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वांचल तक आते आते हमारे लिए भी एक बड़ा ओवरवेलमिंग, एक बहुत भावुक एक्सपीरियंस रहता है, बहुत भावुक अनुभव रहता है। बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिलता है। फ़िलहाल हम गाज़ीपुर सीट के ग्राम सभा जलालाबाद के सुल्तानपुर गाँव में हैं, और यहाँ इस गाँव में मुख्य रूप से अहीर समाज या यादव समाज के लोग हैं। ये सीट कई कारणों से बहुत लोगों की नज़र में है, क्योंकि यहाँ पर सपा के जो उम्मीदवार हैं अफसल अंसारी साहब, हाल ही में उनके छोटे भाई मुख्तार अंसारी साहब का निधन हुआ था, जेल में थे, उनको दिल का दौरा पड़ा, उनकी मौत पर भी कई सवाल उठाए गए हैं। दूसरी तरफ भाजपा से पारसनाथ राय जी हैं और बसपा से उमेश सिंह जी। आइए गाँव वासियों से बात करते हैं कि इस बार चुनाव में क्या रुझान है, क्या पिछली बार से कुछ बदलाव होने वाला है या लगभग वही रुझान है। आइए, नमस्कार बाबू जी। ये हम पकड़ लेंगे, आप बोलिए, अभी हम पकड़ लेंगे, ये हम पकड़ लेंगे बाबू जी। अच्छा, सुल्तानपुर गांव से हम बोल रहे हैं। हाँ, नाम क्या हुआ? किशुनदेव यादव। हाँ जी, यहाँ सपा का यहाँ एक नंबर का यहाँ पोलिंग है। पोलिंग है, हाँ, यहाँ से कोई पार्टी नहीं निकलती है, यहाँ सपा निकलती है। तो बाबू जी, कोई भी चुनाव हो। तो ये बताइए बाबू जी, आप करते क्या हैं? हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। बाबू जी, 5 साल 10 साल ये सरकार के रहे हैं, आपके लिए कैसे रहे, किसानों के लिए कैसे रहे हैं? किसानों के लिए, हम लोग के लिए जो हर चीज़ महंगाई है, हर चीज़ की महंगाई है, कोई चीज़ की हम लोग को सुविधा नहीं है। हाँ, जो हम लोग की गैस मिलती थी 500-600 में, आज 1200-1000 में गैस मिल रही है, तो क्या सुविधा है 5 साल और चाहे 10 साल में। तो ये बताइए बाबू जी कि आपके यहाँ आवारा पशु की भी दिक्कत है क्या? आवारा पशु की नहीं, दिक्कत नहीं है, बाकी जो है दिक्कत क्यों नहीं है, दिक्कत है सभी पशु से, मेरा मतलब है जो छुट्टा सांड नील रहा, छुट्टा सांड सब घूमते थे, उसको बनवा करके जोगी जी गौशाला में रखे हैं, वो भी गाड़ी का गाड़ी जो है कुन्मंगता सब लेके जाए कटवा दे रहे हैं, तो बांधने से क्या फायदा है। हाँ, खुलता पशु रहेंगे, चरेंगे, खाएंगे, जो उसकी नसीब में होगा होगा। अच्छा, ये बताइए पिछले 5 सालों में, मतलब मैं आपको ये जो जिसको ये किसान सम्मान निधि कहते हैं, वो आपके बैंक अकाउंट में आ रही है?
जी तो ये जो महीने के 500 रुपए बन जाते हैं, चार महीने के 2000 रुपया, उससे कोई फायदा नहीं है। जो नुकसान हो रहा है उससे भरपाई हो रही है उसकी, उसकी कोई फायदा नहीं है। जो है चार महीने में जब 2000 मिल जाएगा तो किसानों का पैसा किसानों के मिल रहा है। हाँ, महंगाई इतनी बढ़ गई है, दाल जो है 200 रुपया किलो है, दाल जहाँ 100 रुपया किलो थी, 90 रुपया 80 रुपया किलो थी, आज 200 रुपया किलो दाल है, कहाँ से गरीब आदमी उसको जिलाएगा खिलाएगा। आपका क्या नाम हुआ सर? हमारा रामोद यादव नाम है। हाँ जी, रामोद यादव। क्या करते हैं रामोद जी? हम लोग घर ही पर रहते हैं। घर ही पे मतलब खेती करते हैं? हाँ जी। तो बहुत बड़ा काम है खेती करना, आप घर ही पे क्यों कह रहे हैं? हम लोग का पेट भरते हैं आप। तो ये बताइए, आपकी भी वही दिक्कत ही रही है जो बाबूजी की थी? वही समस्या, कुछ अलग नहीं जी। अच्छा, और नौजवानों को कुछ सरकारी नौकरियां लग रही हैं गांव? सब बेरोजगार बनकर घूम रहे हैं, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा की सरकार आप सपा पे हैं या क्या दिक्कत है? क्योंकि वो लोग तो कह रहे हैं हम बड़े बड़े हाईवे बना दिए हैं, पता नहीं क्या क्या बनाए। रोड बनाने से भोजन मिल जाएगा, बताइए रोजगार नहीं मिल, रोजगार नहीं, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। इतना रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी इतना रोड शो कर रहे हैं, ये जनता पर सब पड़ेगा ना कि अपने घर से लाएंगे वो है? इतनी रैली कर रहे हैं, जब काम हम किए हैं तो इतना रोड शो है, इतना जो है क्या बोला, रैली करने से क्या फायदा? रोजगार चाहिए लड़कों को, रोजगार चाहिए, उसका नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। चलो, ये कुछ नौजवान खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? राहुल यादव। राहुल, क्या करते हो? सर पढ़ाई करते हैं। किस चीज में? अभी बीटीसी कर रहे हैं। बीटीसी कर रहे हो जी। अप्लाई की हो सरकारी जो वैकेंसी आई हैं? अभी सरकारी वैकेंसी हालांकि 5 साल में तो आई ही नहीं है यूपी में। योगी जी का कहना है कि पुलिस वाली जो आई थी उसका तो रद्द हो गया, पुलिस वाली जो आई थी उसका पेपर लीक हो गया, और पेपर लीक हो गया, और तेजस्वी यादव जी जो हैं बिहार के इसमें पहले मुख्यमंत्री थे, हालांकि अभी नीतीश कुमार पलटू राम जिनको कहा जाता है बदल गए हैं। तो ये है कि वहाँ पे 17 महीने जो सरकार चलाई है तेजस्वी ने वो शानदार थी, उसने 17 महीने में अपने रोजगार भी दिए, 2 लाख से ऊपर रोजगार उसने दिया। तो मैं भी चाहता हूँ कि वैसी सरकार मेरे भी राज्य में आए ताकि हम लोगों को रोजगार मिले। चलिए, राज्य अपने, ये तो खैर केंद्र सरकार चुनने के लिए है, लेकिन आपका नाम क्या हुआ? राहुल। राहुल, एक चीज बताओ, ये मैं, हम लोग इस गांव में इसलिए भी आए हैं समझने के लिए आपके सुल्तानपुर में, क्योंकि पिछले 2022 में, 19 में, 14 में ये देखा गया था कि नौजवान कुछ यादव समाज से भी टूट के भाजपा की तरफ गए थे, है ना? कुछ टूटे थे, आपके भी गांव में टूटे होंगे मुझे पता नहीं, वो क्यों टूटे थे और क्यों बदलाव, क्या वो वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? नहीं, देखिए, पहले जैसे बात टूटने की है तो 2014 में जब योगी जी, ये मोदी जी की सरकार बनी, जब वो प्रधानमंत्री बने, तो उससे पहले उनका ये था नारा कि हम रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार देंगे, और जो हमारे किसान हैं, हमारे खुद हम लोग, हमारे पापा वापा किसानी करते हैं, तो उनका भी क्या नाम था कि हम किसान की आयु को दुगनी कर देंगे, वो भी उन्होंने नहीं किया। तो जैसे उन्होंने जो जो वादे किए अपने, वो वादे पूरे नहीं किए, तो जब वो वादे पूरे नहीं कर रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है फिर जनता में वो आक्रोश दिखेगा ही दिखेगा। तो अब भी जनता बदलाव चाहती है जी। ठीक है, आप लोग वैसे एक चीज बताओ, आप क्या, आइए आइए मास्टर जी, आइए। अच्छा, एक सेकंड। हाँ आप ये बताइए, 17 में आप नौजवान जो हैं, आप लोग 17 में, 19 में आपका वोट क्या भाजपा की तरफ गया था पहले? नहीं, देखिए, 2014 में जब लहर थी, वो लहर इस प्रकार की थी कि एकदम, मतलब सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही थे, तब आप लोग भी गए जी, तो हम लोग भी चाहते थे भाई रोजगार मिलेगा हमको, जो भी वादे किए थे। हालांकि उससे पहले तो ये नहीं था कि अगर वो वादा करके वादे को मुकर जाने वाली कोई ऐसी सरकार आई नहीं थी, उससे पहले मनमोहन सिंह थे, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार, कांग्रेस की सरकार आई थी, तो वहाँ पे वो चीज़ें मिलती थी, वो कहते थे तो वो करते थे। तो मुझे भी लगा भाई कि ठीक है लहर है, तो हमने भी उस समय वोट दिया था, जी। तो अब आपका वोट लेकिन बदल गया है जी, जी। बाबू जी, मास्टर जी, बताइए जी, क्या नाम हुआ जी मास्टर जी? मेरा नाम धनपत यादव सुल्तानपुर। धनपत यादव जी, जी जी। धनपत साहब, आप मास्टर जी रहे हैं जी? किस में, प्राइवेट में, गवर्नमेंट? नहीं, प्राइवेट था, इंटर कॉलेज अनएडेड था। अच्छा, ये बताइए मास्टर जी, आप क्योंकि मास्टर जी रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते थे, आप लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान है समाज में, इस 10 सालों में आपके हिसाब से क्या सरकार के काम शिक्षा के क्षेत्र में सुधरे हैं या और चरमरा गई है शिक्षा, खासकर की सरकारी स्कूलों की हम बात करें अगर? नहीं, ये तो ठीक है भाई साहब,
बेहतर हुआ है। हाँ बेहतर हुआ है। दूसरी बात, इस सरकार से हम लोग ये पसंद कर रहे हैं कि गुंडई खत्म हो गई है ना। ऐसी बात, चोर चंडाल ऐसे नहीं, तो लड़कियां पढ़ने जा रही थी तो दुपट्टा खींच लिया जाता था, लेकिन ऐसी हरकत अब नहीं मिलती है, इसलिए इस सरकार से हम लोग खुश हैं। तो ये बताइए, ये आप कह रहे हैं कि आप इस सरकार से खुश हैं, कैसरगंज में बगल में आप, क्योंकि कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे हम आपसे पूछेंगे, कैसरगंज में टिकट उनको दे दिया जिनके ऊपर खुद उनके पिताजी पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि वो जो रेसलर थी महिलाएं उनके साथ यौन शोषण किया था, अब उन्हीं के बेटे को टिकट दे रहे हैं, तो उससे कोई छवि, मतलब आपको नहीं लगता गलत संदेश जाता है फिर? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कैसी बात नहीं है? क्या 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 बात है, कैसे बात है, दूसरा कैसे करेगा, अगर हो गया हो गया जी, छोटी चीज तो नहीं। ये जो प्रज्वल प्रज्वल है, ये प्रज्वल प्रज्वल के जेडीएस के, हाँ जो, हाँ वो कितना बड़ा अपराधी है, उसका तो 200-250 वीडियो भी आ चुका है, उसके बावजूद भी उसको दे दिया गया टिकट, और उसके लिए देश का प्रधानमंत्री मांग रहा है वोट, तो कितने शर्म की बात है। ये जो बाबूजी कह रहे हैं कि सपा के समय पर, ये जो बाबूजी कह रहे हैं कि भाई इनकी खराब थी स्थिति कानून व्यवस्था की, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कानून व्यवस्था के बारे में कह रहे हैं कि ये खराब था, ये बताइए कानून व्यवस्था में 100 नंबर किसने लागू किया, किसने लागू किया? तो आखिरी के 6 महीने में उन्होंने किया ना, 100 नंबर लेके आया, 108 नंबर लेके आया, आज की दशा में उसको देखिए 112 नंबर कर दिए, उसको करने का क्या मतलब है? 100 नंबर में क्या दिक्कत थी कि 112 नंबर? आपका इस पर क्या कहना है? इस पर ये कहना है कि 100 नंबर हो चाहे 112 नंबर हो, उससे क्या लाभ है? जब शासन व्यवस्था टाइट हुई है तब न 100 नंबर चाहे 112 नंबर काम कर रहा है। 100 नंबर को रहना देना चाहिए था ना। चलिए बाबूजी, ये बताइए आप वोट कहाँ कर रहे हैं? यार ये भाई, ये देखिए, ये सफाई है, हम वो बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, लोकतंत्र है। देखिए भाई साहब, ये पूरा सुनिए, एक सेकंड, ये यादव पूरा है, दो भाग में है, आधी समाजवादी आधी भाजपाई, मेरी पार्टी भाजपाई है, ये लोग समाजवादी भाजपाई। हाँ भाजपा। चलिए आप हमको ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? हमारा धनपत यादव। आप यादव हैं जी? अच्छा, तो ये यादव से मत जाइए, हम लोग बस कानून पर चलते हैं कि कौन अच्छा काम करता है। चलिए ठीक है, नमस्कार जी, क्या नाम हुआ? नमस्कार भाई, मेरा नाम सुजीत यादव है। कहाँ कहाँ क्या करते हैं सुजीत भाई? मैं बीटीसी करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ अभी। पढ़ाई कर रहे हो, बताओ कैसा लग रहा है इस ये 10 साल कैसे रहे आप स्टूडेंट्स के लिए? हमारे लिए बहुत बेकार बीता है। अच्छा, बहुत बेकार। क्यों? मैं बहुत मेहनत करके पुलिस का पेपर दिया था, और हमारे मतलब कि जब हमारा एज हुआ था पुलिस के लायक, तो इतना मेहनत करके मैं 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था, और वो पेपर जब मिला है तो मेरा पूरा सही था, और भर्ती रद्द कर दी गई। अरे पेपर लीक जो भर्ती रद्द कर दी गई, तो मुझे क्या मिला इस सरकार में? मुझे मिला ही क्या, कुछ नहीं। नौकरी नहीं मिली हमें, नौकरी चाहिए और क्या। सरकार ऐसी कुछ काम ही नहीं कर रही है कि हम खुश हो जाएं, कुछ काम करती तो खुश होते सर। अरे थोड़ा शोर कम साहब, आपके गांव आए हैं, थोड़ी सबकी आवाज़ सुने हम। हाँ जी सर, ये बता रहे हैं, लेकिन ये तो कह रहे हैं बढ़िया बढ़िया हाईवे बनाए, ये सब किया। अगर सर हाईवे की बात हो तो पहले देखिए अखिलेश यादव ने ही सब काम करके गया है। अच्छा, बाद में काम किए हैं उस पर सीएम योगी जो है, पहले अखिलेश यादव ही काम करके गए थे। अच्छा ये बताओ मुझे, ये जो हाईवे वगैरह की बात करते हैं, ये तो एक चीज है। मोदी जी अपने भाषण में बोले हैं कि ओबीसी समाज और दलित समाज बच के रहें, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आ गई तो या आपका आरक्षण लेकर मुसलमानों को दे देंगे, ये कह रहे हैं कि आपकी ये संपत्ति लेकर मुसलमानों को दे देंगे, आपका मंगलसूत्र लेकर आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे, आप ओबीसी समाज से, आपको डर नहीं लग रहा है इन चीज़ों से? देखिए सर, पहले तो हम यादव परिवार से बिलोंग करते हैं, और रही बात डरने की, तो यदि या मोगी दोनों आए जाओ तो भी हम नहीं डरेंगे, क्योंकि ये जो कर रहे हैं उसी हड़का रहे हैं, और हड़काने से नहीं होता है। तो आपको लग रहा है ये क्या मतलब हड़काने से, मतलब क्या है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति? बस यही हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके इधर उधर लड़ाएंगे, और कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग, और जो करना होगा वो नहीं कर पाएंगे, लड़ा के किसी तरह से सरकार बना लें अपनी। आरक्षण पर भी हमला हुआ है क्या इन 10 सालों में? सर जैसे मतलब सरकार को जो समझ में आ रही है मतलब वैसे कर रही है, उसको जनता तो पागल दिख रही है, पहले जिस उसको मन करा उधर घुमा रही है, पहले ड्राइवर का जैसे ड्राइवरों का नियम चेंज कर दिया, ड्राइवरों को इधर से उधर घुमा के फिर इधर कर दिया, कुछ दिन किसानों को परेशान किया, अब नौजवान 4 साल की हो गई भर्ती, हम पहले तैयारी करते थे आर्मी की,
अब छोड़ दिए, 4 साल के हो गए छोड़ दिए, तो बताइए ठीक है वो आरक्षण की बात अपने जगह, पहले इसको सही से व्यवस्था तो करना चाहिए सबकी। आपको रे चरमरा रही है इनके समय पर। सर आरक्षण की बात है अगर, तो आरक्षण की बात में ये भी तो है ना कि जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि आरक्षण पे हमला हो रहा है, तो ठीक है अगर आपको इतना आरक्षण की दिक्कत हो तो जनगणना करवा दीजिए, जनगणना करवा दीजिए। जनगणना नहीं हो रही है आपको लगता है? वो करवा दीजिए, सबको एकदम एक समान सब मिलेगा जो भी होगा। आप एक चीज बताइए जी, थोड़ा हम निष्पक्ष ही रहने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं, मेरा सवाल सुनो, लेकिन थोड़ा सा हमें भी बुरा लगता है क्योंकि प्रधानमंत्री किसी धर्म जाति के तो है नहीं, वो तो सबके प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष के भी प्रधानमंत्री हैं। हमें भी थोड़ा सा बुरा लगता है जब वो इस तरह की बातें करते हैं कि आपके मंगल सूत्र मुसलमान को दे दिए जाएंगे। हमें लगता है प्रधानमंत्री को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, शोभा नहीं देती। लेकिन आप ये बताइए जब इस तरह की बातें वो करते हैं कि भाई OBC का आरक्षण वो मुसलमानों को दे देंगे, SC ST का आरक्षण वो मुसलमानों को दे देंगे, आपको विश्वास है उनकी इन बातों पर? अरे देखिए सर, पहले ये बताइए क्या आपको विश्वास था कि 2014 और ये जो आएगा 2016 उसमें नोटबंदी हो जाएगी, हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? तो वो क्या करेंगे, उनका कोई पता नहीं है कब किसको बदल देंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं है। तो हम ऐसी सरकार कहाँ चाहें जिसमें वैक्सीन लगने के बाद फिर सरकार लेने के कंपनी जैसे रिएक्ट कर रही है, अदर रिएक्ट कर रहे हैं, और वही भाजपा की सरकार बोल रही थी कि वैक्सीन लगवाओ वैक्सीन लगवाओ वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन बिना लगवाए कहीं एंट्री नहीं होगी, बिना सर्टिफिकेट का कहीं एंट्री नहीं दे रहे थे। वो हवा उड़ाया गया है भाई, हवा उड़ाया गया था। हाँ भाई साहब, वैक्सीन लगाए, आपका नाम क्या मौत हो रहा है? मेरा नाम राहुल यादव है। एक सेकंड साहब, आप मास्टर जी हैं लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा आग्रह करूंगा, ये हवा नहीं है, ये उस कंपनी ने भी इस चीज को स्वीकारा है कि हर कहां उससे हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ रही हैं कोवैक्सीन से, ये हवा नहीं बनाई गई है, कंपनी ने भी स्वीकारा है। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर राहुल यादव है। जी राहुल क्या करते हैं? सर BTC क्वालिफाई किए हैं, अभी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्जाम है सब निरस्त कर दे रहे हैं लोग, सरकार को समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है कैसे कर रहा है। भाजपा सरकार तो बोल, भाजपा के जो समर्थक है वो बोलते हैं लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं इसलिए नौकरी नहीं मिल रही है, हम पर डाल रहे हैं। देखिए 2014 की बात जो है ना, 2014 में हम लोग भी मतलब भाजपा ही थे, भाजपा को ही वोट देते थे, 2014 में। लेकिन इनका रीति रिवाज जो देखा गया है ना, तो मूड बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि हर साल हर 5 साल पे सत्ता चेंज करना अति आवश्यक है, तभी विकास होगा। अगर एक ही लोग को बनाएंगे तो फिर मुश्किल है जो भी काम है, ठीक है? बिल्कुल ये लोग क्या है कि टोटल भाजपा ही थे। हाँ बिल्कुल, हम भाजपा ही थे, रियल है, प्रचार करते थे। मुझे लगता है कि सरकार का जितने भी वादा किए हैं एक भी वादा पूरा नहीं किए सर। सरकार एक भी वादा नहीं पूरा किया, अगर कोई वादा पूरा किया है तो मुझे बता दीजिए कि नहीं ये काम किए, मुझे कोई रोजगार मुझे बता दीजिए कि ये काम किए हैं तो मैं उसका उत्तर दूँ आपको। वो कह रहे हैं कि हम बड़े बड़े हाईवे बनाए हैं हम, तो सर उसका ढांचा कौन दिया मुझे पता ही पहले कोई है अपना सर, एक मिनट कोई भी हो जो भी हो अपना योजना कोई उनका नया मुझे बता दीजिए कि जो कोई योजना वो नया लाए हैं उस पर काम किए बता दीजिए मुझे, जो भी सब योजना है सब कांग्रेस का या सपा का ही दिया गया सब योजना है उसी पे लोग काम किए हैं बस। नहीं लेकिन बस ये कि इन लोग का प्रचार है बस हिंदू मुस्लिम बस उसी पे जो भी कुछ कर ले लोग। रही बात मंगल सूत्र की बात कर रहे हैं, तो पहले सोना क्या रेट था, अब इस समय सोना का रेट क्या देख लीजिए आप, ठीक? तो वही सब बातें हैं, आप देख रहे हैं पहले क्या था और इस समय क्या है। जी आप जिला पंचायत जी हैं? हम लोग सदस्य हैं। क्या नाम हुआ साहब? राकेश राम। राकेश राम जी आप तो सपा से ही हैं? जी जी हम तो पार्टी के सदस्य हैं। आपसे टफ क्वेश्चन पूछेंगे फिर हम। जी बताइए क्या होने वाला है इस चुनाव में? इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में सभी लोग जो है संविधान बचाने के लिए एकजुट हुए हैं, और मैं दलित समाज से बिलोंग करता हूं, इसलिए मैं पूरा पुख्ता और ईमानदारी से बात कहूंगा कि इस बार जो है दलित समाज इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, और ये इसलिए है इस बार का मुद्दा जो है रोजगार का है। ये बताइए दलित समाज आप कह रहे हैं बहन जी को छोड़ देंगे इस बार? हाँ बहन जी जो है आज की डेट में जो है कठपुतली के समान है, उनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, दलित उनसे बिल्कुल नाराज है, इसलिए 50% जो है दलित समाज इस समय इंडिया गठबंधन और हमारे यहाँ के प्रत्याशी माननीय फजल अंसारी साहब हैं उनके पक्ष में
एक तारीख को साइकिल पर मोहर लगाएगा। बाबूजी कह रहे हैं कि जब सपा मास्टर जी कह रहे हैं कि जब सपा की सरकार होती थी कानून व्यवस्था बहुत ख़राब थी, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं थी। वो बात अलग है कि जब किसी और के यौन शोषण पर बात करो तो कहते हैं ये चीज़ें हो जाती हैं, बट वो छोड़िए। लेकिन आपका इस पर क्या कहना है? देखिए उनकी व्यक्तिगत राय है। व्यक्तिगत राय नहीं है, हमारा ऐसा सांसद दो बार हम लोग चुने, उसको कभी किसी गांव में नहीं हुआ आया है। सर ये कह रहे हैं बात कि कानून व्यवस्था बहुत सही हुई है, ठीक है कानून व्यवस्था सही हुई है, तो मणिपुर में जो हुआ है वो क्या था? एक भी दिन वहाँ गए मणिपुर में जो हुआ तो वो क्या था? वहाँ पे कानून व्यवस्था नहीं चलानी चाहिए उनको? जो हमारे एथलीट है जिन्होंने भारत के सम्मान को बचाया, लाया मेडल्स, उनके साथ जो हुआ वो क्या हुआ? अच्छा चलो एक चीज बताओ, 2014 से कितना, 2014 में कितना आपके गांव का कितना प्रतिशत वोट भाजपा में गया होगा, कितना सपा में गया होगा? 14 की बात, 2014 में अब अनुमानित सर मैं बता नहीं सकता कि कितना आप हुआ बताओ हुआ। आप तो वही लगभग 20% के आसपास से ऊपर भाजपा को वोट पड़ा था। इस बार कितना पड़ रहा है? हमको तो लगता है कि 5% जाएगा तो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं जा सकता। इस बार हाफ हाफ जाएगा, 50% जाएगा भाजपा को। बाबू जी बाबू जी देखिए आपकी बात पर बच्चे भी हंस रहे हैं। बच्चे हंस रहे हैं, जानते नहीं ये सब, ऐसा लोग ऐसे आदमी को वो टिकट दिए हैं कि वैसे लोग सब जल रहे हैं। उनको दो बार बनाया गया क्षेत्र में, कभी नहीं आए। वो जब कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, हमको कह लेने दो, वो कहते हैं कि सरकार नहीं है। बोल दिए हाँ सरकार नहीं है हमारी है, कहते हैं कि हमको सरकार परेशान करे। अगर हम लोग उनको वोट दे करके जीता ही देंगे तो फिर तो उनको जेल में ठूस देंगे, तो फिर किसके यहाँ हम जाएंगे? बोलिए में क्यों ठूस रहे हैं वैसे? अरे ठूसने देंगे, उनकी सरकार है, अपराध इतना है कि वो कर ही देंगे। तो एक चीज बताइए, जेल में सिर्फ वही क्यों जाते हैं जो इनके विपक्ष में होते हैं? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। आप हमको एक चीज बताइए, आप नाराज मत होइए, नाराज नहीं, आपके बच्चे हैं हम, आपसे छोटे हैं हम, सवाल ही पूछेंगे, आप हमसे बड़े हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे छगन भुजबल जी महाराष्ट्र में है, अजीत पवार महाराष्ट्र में है, इनके हेमंत बिस्वा शर्मा असम में इनके मुख्यमंत्री हैं, जब ये लोग कांग्रेस में या एनसीपी में थे तो भाजपा इन्हीं के बारे में कहती थी ये देश के सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोग हैं, इन पर सीबीआई के केस थे। आज ये भाजपा में जाते हैं तो पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन है कि सारे केस हट जाते हैं इनमें से। तो सारा का सारा लोग सिर्फ विपक्ष का ही क्यों जेल में जा रहा है? चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हो हेमंत सोरेन जी, कोई भी हो, लेकिन हमारा ये कहना है कि इनको हम जिता करके क्या करेंगे? इनको सरकार परेशान कर देगी, किसके यहाँ गुहार लेकर के हम जाएंगे जब ये भीतर रहेंगे? तो आप कह रहे हैं सरकार परेशान कर रही है इसलिए हम वापस सरकार के पास ही जाएंगे? ना, उसी के यहाँ जब जानते हैं कि उसी का चलेगा तो उसी के साथ हैं। चलिए ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहने का मतलब जो तानाशाही चलाएगा वो इनके साथ रहेंगे। कह दिए हैं बेचारे, वो सच बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, सच बोल रहे हैं, रहने से कोई लाभ नहीं है। चलिए साहब क्या नाम हुआ? रामनाथ यादव। हाँ रोल से बोलिए। रामनाथ यादव। रामनाथ जी क्या करते हैं? हम सर यही घर पर रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। आपके यहाँ आवारा पशु की दिक्कत है? हाँ अरे बहुत दिक्कत है, बट चढ़ जाता हूँ सो रात का चढ़ जाता हूँ, क्या वही रात भर के सोती सिवान में। जो कि मोदी से दुनिया परेशान है। हाँ हम ही थोड़ी परेशान है, सब परेशान है, उन सबसे रणुआ या किसी का होते हैं सब। ये देखिए कोई शादी ना करे वो उनकी मर्जी है। नहीं, सर जिसका परिवार ही नहीं रहेगा तो दूसरे का दर्द क्या समझेगा। अब वो तो कहते हैं कि भाई मैं परिवार छोड़ दिया क्योंकि पूरा देश ही मेरा परिवार है। जो अपने बीबी के नहीं हुए तो हमारे हो गए। अरे भाई साहब आप तो निजी हमले कर रहे हैं। चलिए ये छोड़िए, मुझे ये बताइए ये 500 रुपये से मान निधि मिल रही है? हाँ मिलती है सर। तो ये जो आवारा पशु जो नुकसान कर रहे हैं उससे भरपाई हो पाती है? भरपाई होगी सर, वो सब पूरा खेती चढ़ जाएंगे तो 500 रुपये में क्या होगा बताइए आप। दिक्कत बहुत है, बहुत दिक्कत है। 14 में कहाँ वोट किए थे? 14 में तो हम भाजपा को किए थे सर। अच्छा सच बोल रहे हो या कैमरा? भाजपा ही है, पहले भाजपा ही थे। अच्छा अभी इन लोगों 19 में? 19 में नहीं दिए थे, नहीं दिए थे, नहीं दिए थे, अब वापस आ गए हैं। हाँ जी सर। चलिए आइए साहब आपसे बात करते हैं फिर खत्म करते हैं। क्या नाम हुआ साहब? हमारा नाम ललन विश्वकर्मा है। क्या करते हैं ललन जी? हम तो कारपेंटर हैं। कारपेंटर हैं,
बताइए, मतलब खुद का वो है? अच्छा, जो छोटे व्यापारी आप जैसे हैं, तो कैसा रहा धंधा 10 सालों में? ठीक ठाक, राजनीति है सबकी। हम लोग तो बैकवर्ड से हैं, यहाँ जो है सामान्य और जो है कि एसटी ज्यादा चलती है, हम लोग बीच में लटके हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जो एक यादव और उसके बीच में आप कहीं फंस गए हैं? ज्यादा एसटी और सामान ज्यादा चलता है, ओबीसी वाले लटके हैं, ना उधर के ना इधर के। हाँ, इस सरकार में ओबीसी के लिए कैसा रहा है? हमको तो लगता है कि कोई भी सरकार हो, सब लोग अपने फायदे के लिए चलते हैं। हम लोग भी देखेंगे, जैसा हम लोग जब लटके हैं तो किधर भी लटक जाएंगे। अभी सोचे नहीं है? नहीं सोचे नहीं है, किसी और लटक जाएंगे जब बीचे में लटक रहे हैं तो। तो यहाँ सारे सपा के समर्थक है, आप इसलिए नहीं बता रहे हैं सच सच? अरे हम सब कभी सपा में कभी भाजपा में दोनों रहे हैं, तो बीच में लटके हैं तो वही तो कह रहे हैं। अच्छा, तो कहीं पक्का नहीं पकड़ पाते हैं, अब लटके ही रहते किसी हैं। दिन हाँ, तो हम लोग तो सही कह रहे हैं, किधर घूम जाएंगे तो मेड़ पा हम लोग। 14 में किधर थे? 2014 में कहाँ वोट दिए थे? 14 में? हाँ जी, 14 में हम तो सपा में थे। और 19 में? अभी तो ना याद थोड़े हम लोग, पिछला ही तो लोकसभा था। अरे हम लोग 60 साल के हैं, ये दिमाग में इतना नहीं है, काम करके आ रहे हैं, अब घर जा रहे हैं, बीच में भीड़ देखे हैं तो खड़े हो गए हैं। चलो ठीक, थैंक। ये एक और नौजवान है, इनसे बात करते हैं आखिरी, फिर खत्म। शर्मा रहे हो? हाँ, इधर आओ भाई साहब। कौन? हाँ, क्या हुआ भैया? क्या हुआ था तुम्हारी? कुछ नहीं हुआ था, अखिलेश यादव जब थे उसने कोई दिक्कत नहीं हुई थी, मोदी जी जब से आ गए तब से छुट्टा पशु घूम रहे हैं। हम लोग की सीमान को खास कर रहे हैं, और अखिलेश यादव थे तो हम लोग पुलिस में हो जाते थे, ठीक। अब मोदी जी जब से आ गए तब से 5 किलो राशन दे रहे हैं, उससे पेट भर रहा है, न मेरे पास पैसा आ रहा है, न कुछ आ रहा है, न मेरा घर द्वार बन पा रहा है। साहब आप ही बताए हम लोग क्या करें। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र 15 साल। अच्छा, तो नौकरी ढूंढ रहे हो अभी या पढ़ाई कर रहे? नहीं, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, 9th में पढ़ता हूँ। 11th पास, 12th पास होने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ लायक बन जाऊँ। तो इस बार तुम तो वोट कर नहीं पाओगे? नहीं, वोट बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा साहब। प्रचार कर रहे हो? प्रचार बिल्कुल कर रहा हूँ अखिलेश भैया, जिंदाबाद, अभी भी बोल रहा हूँ मैं। चलिए, नौजवान जब ऐसे, नौजवान जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जैसे मैंने शुरू में बताया था, हमारा चुनावी सफर आज इस वीडियो के साथ ख़त्म होता है। लगभग 1.5 महीना हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग गांव कस्बों में गए हैं, 21 लगभग लोकसभा सीटों पर हम गए थे। मज़े की बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसे भी गए हैं जहां पर ऐसे नौजवान, स्कूल के नौजवान भी, लड़के लड़कियां दोनों, जिनकी राजनीति में बहुत रुचि है, एक समझदारी तक बनी है। मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए एक बहुत स्वस्थ चीज़ है कि लोग इसी उम्र से अगर राजनीति में एक समझदारी अपनी कम से कम बनाने की कोशिश करें, एक रुचि तो लें कम से कम। उत्तर प्रदेश के हमारे सफ़र में हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत लोगों से हम मिले हैं, बहुत अलग अलग मुद्दे लोगों के सुनने को मिले हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर पता चली है कि मुद्दे हिंदू मुस्लिम, मुद्दे मंगलसूत्र और ये सब नहीं हैं। मुद्दे अगर हैं तो खेती किसानी के मुद्दे हैं, मुद्दे अगर हैं तो मजदूरी के मुद्दे हैं, मुद्दे अगर हैं तो शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, मुद्दे अगर हैं तो महिलाओं के मुद्दे हैं, मुद्दे अगर हैं तो दलित पिछड़ों, इन सब के मुद्दे हैं जिनको कहीं ना कहीं, जो समाज के पिछले पायदानों पर किसी ना किसी ऐतिहासिक कारणों की वजह से पीछे रह गए थे, उनको सामने लाने के मुद्दे हैं। और कहीं ना कहीं ये असली मुद्दे, जैसे हमने पहले भी कहा है, जब इस तरह की मंगल सूत्र हिंदू मुस्लिम की बातें होती हैं, खास करके देश के प्रधानमंत्री से जब बात होती है, थोड़ा और भी बुरा लगता है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। आप किसी भी पार्टी का समर्थन करें, लेकिन लोकतंत्र में वो सबके प्रधानमंत्री होते हैं, पक्ष हो क्या हो, आप उनके पक्ष में हो, विपक्ष में हो, किसी भी धर्म जाति को। उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में भी राजनीति तो इस देश में चलती रहेगी, लोकतंत्र को लोग ख़त्म करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों से अगर आप बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ का लोकतंत्र कोई भी कोशिश करे वो नहीं ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि लोग उन्हीं को ही ख़त्म कर देंगे जो लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। हम इसलिए समझते हैं कि राजनीति तो इस देश में चलेगी, चुनाव आते जाते रहेंगे, उम्मीद यही करते हैं कि असली मुद्दों पर, सबसे निम्न समाज और सबसे निम्न मुद्दों पर ही और सबसे मूलभूत सुविधाओं पर ही चुनाव होंगे
इस बार भी कुछ हद तक हुए, आगे और भी ज़्यादा होंगे, और विधानसभा तक मत उम्मीद कर इंतज़ार करना, क्योंकि उसके बीच में भी जो CCA करती है, चुनाव हो ना हो, लेकिन आम लोगों के, आम किसान, आम मजदूर, हर इंसान के मुद्दे हम आपके बीच में लाते रहते हैं। जुड़े रहे CCA के साथ इस चुनावी सफ़र में, आपका साथ हमारे साथ रहा और यही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। बहुत बहुत धन्यवाद।